टीकमगढ़ जिले के ग्राम बर्मताल में पानी निकासी को लेकर पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में हरिराम अहिरवार घायल हो गया। घटना के बाद घायल व्यक्ति ने प्राथमिक उपचार कराया तो वहीं पीड़ित व्यक्ति ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना दिकोड़ा में की, लेकिन मामले में FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हरिराम अहिरवार अपने घर के सामने पानी निकासी को लेकर काम कर रहा था, तभी मोहल्ले के आकाश अहिरवार समेत कुछ लोगों ने समूह बनाकर कुल्हाड़ी डंडों से हमला कर दिया। इसमें हरिराम घायल हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पड़ोसी आए दिन विवाद और झगड़ा करता है। पड़ोसी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कि जब हम यहाँ से भागते आए तो जो लड़का आगे भाग जाओ तो चंद और वो पीछे से कुलच जा लाए इन्हें केवाड़ लगा लिया साहब। अगर केवाड़ नहीं लगे होते एक सेकंड बस जाते तो ये मार जाते। झाड़ू लगा रहे थे तो आकाश फिर आकाश ने मारो फिर बेनी भाई ने मारो फिर राम स्वरूप ने मारो और फिर सुमन और फिर रजनी मोनू थाने गए थे आप लोग? हाँ गए थे। क्या कार्रवाई हुई उधर? हमने सब उनने रिपोर्ट करी थी, सो हमने रिपोर्ट करी। हमारे चाची ने मारे, बेनी भाई ने मारा है और आकाश ने मारा है और रामस्वरूप ने मारा है। क्या मारा आपको? और कुल्हाड़ी सर। अच्छा कुल्हाड़ी मारी। हमारी पत्नी को मारा, हमारी बच्ची को मारा और हमारे बच्चों को मारा। राम स्वरूप ने, आकाश ने, बेनी भाई ने और सुमन ने और मोहिनी ने, रजनी ने। क्यों मारा? कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी लठियां। थाने गए थे रिपोर्ट डालने? जी डालने गए थे। हम जब खेत पे आते थे खेत उनसे हमें खबर मिली कि तुम्हारा चंदू को मार रहा है, हरदास को मार रहा है। सुबह से हम से आए तो देखो हमने भीतर का हुआ महका हुआ है तो तुमने दो लोग क्या क्या मार दिया आपके बालक को? कुल्हाड़ी मारी और थापने लटके मारे वो लठियाँ मारी।